खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां हालात हो रहे हैं सामान्य। जम्मू के बाद आज से श्रीनगर में भी जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। स्कूल खुल रहे हैं आज वहां प्राइमरी। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद श्रीनगर के लिए आज खास दिन है। दशकों से 370 वाली बीमारी के इलाज के दौरान घाटी के लोगों को जो मुसीबत उठानी पड़ी, अब वो भी खत्म होने वाली है। घाटी में अब जिंदगानी पटरी पर लौट रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। कश्मीर में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए। अकेले श्रीनगर में 190 स्कूल खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। कई टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिए गए हैं। नया हफ्ता चालू हो रहा है और हमारा सबसे पहला प्रयत्न है कि स्टार्टिंग विद प्राइमरी स्कूल्स, हम स्कूल्स खोलने का कार्यक्रम शुरू करें। हमने तैयारी कर ली है और हमें आशा है कि हम इसमें कामयाब हैं। केवल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 190 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करने की कवायद कल से चालू है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र के फैसले के कुछ ही घंटे पहले यानी 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह हालात सामान्य होते जा रहे हैं। 50 और थाना क्षेत्रों में सुरक्षा में ढील दी गई है। 50 थाना क्षेत्रों में रिलैक्सेशंस दी गई, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है रिलैक्स किए गए। कल हमने 35 क्षेत्रों में दिए थे, आज हमने 50 क्षेत्रों में दिए। कल हमने 6 घंटे के लिए दिए थे, आज हमने 8 घंटे के लिए दिए। और बाय एंड लार्ज जो है, जहां जहां हमने रिलैक्सेशंस दी थी वहां से हमें किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। तो अगली अहम खबर आपको दे देते हैं।